नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी पसंदीदा चैनल गौतम बर्मन ब्लॉग। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है फरीदकोट टू भाटिंडा मेरा सफ़र। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, फरीदकोट से भाटिंडा का जो दूरी है लगभग 69 किलोमीटर है, और टाइम लगेगा, आप जो पर्सनल कार से जाएंगे तो उसका टाइम लगेगा 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। अगर आप दोस्तों फरीदकोट से ट्रेन में जाना चाहते हैं तो उसका टाइम लगेगा आपको भाटिंडा पहुंचने के लिए 1 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों, भाटिंडा का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो है मुख्य रूप से पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। भाटिंडा में कुछ घूमने का जगह है, जैसे कि थर्मल प्लांट। ये थर्मल प्लांट बिजली बनाता है। साथ में दो लेक है, इतना सुंदर सुंदर सा, बहुत ही नज़ारा सुंदर है। तो दोस्तों, भाटिंडा में और भी कुछ जगह है देखने का, जैसे कि भाटिंडा झील, गुरुद्वारा, किले मुबारक, राकी जंगल। तो दोस्तों, भाटिंडा में कुछ मॉल की बात करें तो यहाँ पे मौजूद है सिटी सेंटर मॉल, बिग बाजार, स्काई मॉल। यहाँ पे बहुत सारे सामान अच्छी अच्छी क्वालिटी की मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया छोटा सा जानकारी। इसके बाद आपको और भी बताता हूँ, इसका आसपास की जो जगह है, जो सिटी है, वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बताता हूँ। बगल में है फिरोजपुर, उसके बाद है फरीदकोट, फिर मोगा, फिर लुधियाना, फिर जालंधर, होशियारपुर, फिर है अमृतसर। तो दोस्तों, आप लोग अगर पंजाब में आते हैं, भाटिंडा में आते हैं, तो ये जगह जो मैंने बताया आसपास का, आप लोग ज़रूर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, भाटिंडा टू अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं, अमृतसर बहुत ही नज़दीक है भाटिंडा से, लगभग 180 किलोमीटर। अमृतसर में मौजूद है वाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल। जो वाघा बॉर्डर है, वहाँ से लाहौर सिटी पाकिस्तान का टोटली 23 किलोमीटर है। तो दोस्तों, बाघा बॉर्डर आप लोग ज़रूर आइएगा, यहाँ पे परेड होता है दोनों देशों का, तो आप लोग यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, गोल्डन टेम्पल आप लोग ज़रूर आना, मैं चाहूँगा आप लोग एक बार ज़रूर देखें गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे बहुत ही शाम को टाइम सुंदर लगता है, लाइटिंग के जरिए इतना खूबसूरत दिखता है चारों तरफ से। यहाँ पे भंडारा भी होता है, खाने का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा जानकारी। तो चलिए आगे आपको और बताते हैं।
तो दोस्तों भाटिंडा में रेलवे स्टेशन मौजूद है। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि फिरोजपुर, फरीदकोट और भी कई बहुत सारे जगह है। तो दोस्तों ये था छोटा सा जानकारी जो आपको मैंने दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना जरूर। 1, 2, 3, come on! तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। फिर एक नया वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।